आपकी जेलों में कैद होना पसंद करेंगे, लेकिन सोर्स नहीं बताएंगे, माफ कीजिएगा। उसी तरह से जिस तरह से बुराड़ी में हुआ है, सवाल तो उस अदालत को पूछना चाहिए था दिल्ली की पुलिस से, जिस अदालत ने नरसिंहानंद यति नाम के जो एक प्राणी है, जो कहने के लिए तो आदमी है लेकिन वो जहरीला इंसान है, वो जहर बोता है, नफरत का जहर फैलाता है, तो जब उसको अदालत ने, जिस अदालत ने जमानत दी थी, उस अदालत को बताना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या इसी काम के लिए जमानत दी गई थी कि जाकर के वो हरिद्वार के बाद बुराड़ी में नफरत का जहर फैलाएगा। ये सवाल तो बनता है। और अगर वहां जाकर के कोई जर्नलिस्ट, नया हो पुराना हो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर कोई जर्नलिस्ट जाकर के उसको कवर करता है और बताता है कि यहाँ पे इस तथाकथित धर्म संसद में, जिसको हम अधर्म संसद मानते हैं, इस अधर्म संसद में इस तरह की जहरीली बातें कही जा रही हैं, तो उसको आप मारेंगे पीटेंगे। लेकिन यह हो रहा है। और जिस ढंग के, जैसे मैंने कहा कि आने वाले दिन कितने खतरनाक हैं, जगह जगह, जैसे हमारी एक पत्रकार मित्र भी बता रही थी कि सोनिया बिहार में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग जा कर के सारे घरों में कह रहे हैं कि ऊपर झंडा लगाना पड़ेगा आपको, केसरिया झंडा, भगवा झंडा फहराना होगा जब तक नवरात्र रहेगा, और उनसे वो पैसे भी ले रहे हैं। हल्दीराम में कोई एक सुदर्शन न्यूज का कोई पहुंच गया, उसने वहां की लड़की से बदतमीजी की। लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे हमारा सेक्युलर फैब्रिक खतरे में पड़े। इनका जो मिशन था, उस मिशन पे काम कर रहे हैं लगातार, छोटी छोटी घटनाएं, लेकिन उन घटनाओं का एकमात्र मकसद यह है कि इस देश के अल्पसंख्यकों, इस देश के मुसलमानों, इस देश के ईसाइयों, इस देश के सिखों, आपको रहना होगा हिंदुस्तान में तो आपको दोयम दर्जे का नागरिक बन के रहना होगा, आपको हमारे रहमो करम पे रहना होगा। लेकिन ये हमारी जो पत्रकारों की यहाँ भीड़ जमा हुई है, हम भी ये कहना चाहते हैं, हमने गंगा और जमुना का पानी पिया, हम गंगा जमुना, जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, इसको मिटने नहीं देंगे। आज ही ये घटना देखा, अभी मैं फोन करके देख रहा था, एक था, एक और दरिंदा था कोई कालीश्वरन नाम का, जिसने गांधी को गाली दी, उसको जमानत मिल गई रायपुर से, भी वो इंदौर जा रहा था, और इंदौर पे जैसा उसका स्वागत हुआ जैसे लग रहा था कि कोई बहुत वीर विजेता होकर के आ रहा। तो इस तरह की घटनाएं होगी साथियों, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इन घटनाओं से आंख मूंद करके बैठे रहेंगे या रिएक्ट करेंगे। अब वो समय आ गया जब हमको रिएक्ट करना पड़ेगा। जहां भी हमको स्पेस मिलता है, मीडिया में तो मिलने वाला है नहीं, मुख्य धारा की मीडिया में तो हमको जगह मिलेगी नहीं। आश्चर्य की बात है कि शुरू के दिनों में जब बलिया में घटना हुई तो उस अखबार ने उस पत्रकारों का साइड नहीं लिया, लेकिन बाद में जब हम लोगों का दबाव पड़ा, जब लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, आजमगढ़ में, बलिया में, गाजीपुर में, मऊ में, बनारस में, मिर्जापुर में जब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, तो अमर उजाला और बाकी अखबारों को भी पत्रकार के साथ खड़ा होना पड़ा। इसलिए कहना चाहता हूँ साथियों, अब समय आ गया है, चुपचाप बैठने की जरूरत नहीं है, खुलकर के सामने आना होगा, इनके फासिस्ट इरादों के सामने खुलकर कहना होगा कि किसी मुसलमान, किसी ईसाई, किसी सिख, किसी महिला पे अगर लाठी या गोली चलाते हो, उससे पहले हमारा सीना हाजिर है। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये तैयारी करके रहनी पड़ेगी, नहीं तो अपने इरादों में कामयाब होते जाएंगे। आज चुपचाप बैठने की बात नहीं है, रिएक्ट करने की जरूरत है, चाहे जो भी फोरम मिल जाए। कभी हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे साथियों, अभी और लोगों को अपनी बातें करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी हमारे मित्र ने कहा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर, मैं उस प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर हूँ जिसका कोई चेयरमैन नहीं है। 21 नवंबर को, पिछले साल के 21 नवंबर को मिस्टर चंद्रमौली के प्रसाद रिटायर हुए, उसके बाद से अभी तक हमारी सरकार को फुर्सत नहीं मिली कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई चेयरमैन हो। फाइलें बड़ी होती जा रही हैं, कैसे जाके लंबित होते जा रहे हैं, लोग हमको रोज फोन करते हैं कि साहब यहाँ अत्याचार हो रहा है, हमने कहा भाई हमारे साथ ही अत्याचार हो रहा है,
जब हमारा चेयरमैन ही नहीं है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया नॉन फंक्शनल हो गई है। तो ये इन सरकार इस सरकार के इरादों को जाहिर करता है। इसलिए कहता हूँ साथियों, संघर्ष ही सब कुछ है आज की तारीख। अगर हमारी एकजुटता रहेगी, हमारी एकता रहेगी और रिएक्ट करने की हमारी क्षमता रहेगी तो इनको झुकना पड़ेगा। मैं आप इस मंच के साथ ये कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार से कि तत्काल तीनों पत्रकारों को रिहा करें, और दिल्ली की सरकार पहले तो अपनी पुलिस से पूछे कि ये जो राक्षस है, जो जहरीला इंसान है, जो हरिद्वार से लेकर के बुराई तक नफरत का जहर बेचता है, उसके खिलाफ एक्शन कब होगा। अगर वो अदालत से छूट के आया है, जमानत पे आया है, जाहिर है कि अदालत ने कोई शर्तें लगाई होंगी। अगर उसका उल्लंघन करता है तो उसकी गिरफ्तारी कब होगी, ये दिल्ली सरकार के सामने भी सवाल है, दिल्ली पुलिस के सामने भी सवाल है।